चुनावी साल सस्ता चाल, ये इसलिए क्योंकि हर बार जब भी बजट आता है हम करते हैं पूरी तैयारी ताकि आप तक हर खबर पहुंचे, लेकिन हमें पता होता है कि कुछ सस्ता होगा तो कुछ महंगा भी होगा। लेकिन इस बार देखिए चुनावी साल का रंग कुछ ऐसा चढ़ा है सरकार पर कि सिर्फ सस्ता ही सस्ता, महंगा की कोई कैटेगरी ही नहीं है इस बार। जी हाँ, बहुत दिलचस्प है ये सब कुछ। आइए आपको जरा दिखाते हैं इस पीछे पर्दे पर कि आखिर क्या क्या सस्ता किया है सरकार ने। जो पूरी पहल हुई है सरकार की तरफ से उसमें सस्ता चाल ये क्यों कहा जा रहा है, क्या कुछ सस्ता हुआ है, कहाँ कहाँ पर ड्यूटी कम करके, कहाँ कहाँ पर टैक्स कम करके सरकार ने सस्ता किया है। सबसे पहले स्मॉल कार सेगमेंट, जी हाँ छोटी कार। हालांकि ऑटो इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो इसका इंतजार था क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री एक मंदी के दौर से गुजर रही थी और ये करना एक बड़ा कदम साबित हो सकता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। इसी के साथ एसयूवी पर 30-24% कर दिया गया है ड्यूटी को, इससे एक आप कह सकते हैं बड़ा बूस्ट है ये एसयूवी सेक्टर के लिए। अगर इंडस्ट्री के नजरिए से देखें आपकी तो ये वैसे ही उसके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा बाइक्स मोटरसाइकिल पर भी, यानी ये भी हो जाएगी सस्ती। इसके साथ ही फ्रिज, गर्मियां आ रही हैं ऐसे में जबरदस्त फायदा। ये टेलीविजन टीवी के लिए भी अब आपको कम पैसे निकालने होंगे। इसी के साथ देश में बने मोबाइल, ये एक तरीका हो सकता है आने वाले वक्त में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, कीमतें कम करने के लिए। साबुन भी होगा सस्ता। तो ये है चुनावी ऑफर में क्या क्या हो रहा है इसे सस्ता। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट और समझिए कि कैसे सरकार ने चली है ये चाल चुनावी साल में ताकि वोटर उसकी तरफ जाए। बनता है देखिए। छोटी कार हो गई सस्ती, एसयूवी हो गई सस्ती, मोबाइल हो गया सस्ता। इस ऐलान का मतलब हुआ कि अब आपको छोटी कार पर 12 की जगह 8% एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। बाइक पर भी 8% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। एसयूवी पर भी एक्साइज ड्यूटी 30 से घटाकर 24% कर दी गई है। यानी मंदी के इस माहौल में गाड़ी खरीदने के लिए अब आपको कम रकम चुकानी होगी। कमर्शियल व्हीकल्स पर भी एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। उम्मीद है कि इससे कराहते हुए ऑटो सेक्टर को भी फायदा पहुंचेगा। सस्ते होने वाले सामानों की लिस्ट अभी जारी है। गाड़ियों के साथ ही साबुन, फ्रिज, टीवी और मोबाइल भी सस्ते हो गए हैं। इन पर भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। महंगे होने वाले सामानों की लिस्ट में केवल इंपोर्टेड स्मार्टफोन ही शुमार हो। ये ख्याल इसलिए ताकि आप ख्याल उनका रखें जब वोट डालने जाएं। बहुत दिलचस्प होती है ये पूरी प्रक्रिया। बजट के जरिए ही सरकार ये कोशिश करती है और इसीलिए आइए आपको दिखाते हैं जरा जो बड़े बड़े चुनावी ऑफर दिए गए हैं सरकार की तरफ से उनमें क्या क्या है शुमार। सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटी घटाकर कई चीजें सस्ती की गई, जैसा कि हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई। ये एक बड़ा कदम। छोटी कार, एसयूवी, फ्रिज, टेलीविजन, ये सब उसी वजह से एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से सस्ते हो रहे हैं। साबुन देश में बने, इसको प्रमोट किया जाएगा। मोबाइल बने। सेना को दिया एक रैंक एक पेंशन का तोहफा। याद रखिए नरेंद्र मोदी ने रैली के जरिए बड़े पैमाने पर सरकार पर आरोप लगाया था कि सेना की फिक्र ही नहीं है इस सरकार को। ये कदम लिया अब जाकर सरकार ने। एक रैंक एक पेंशन के लिए 500 करोड़ का एक अलग से बाकायदा फंड बनाया गया है। यानी सरकार ने सेना को खास तवज्जो देके एक कोशिश की, एक पहल की है। इधर कृषि कर्ज पर ब्याज में 2% की छूट बरकरार। याद रखिएगा कृषि और जो लोन है उसको माफ करके ही 2009 में बड़ी कामयाबी हासिल की थी यूपीए 2 में। इसलिए ये सब ऐसे कदम है जो साबित हो सकते हैं महत्वपूर्ण। अनुसूचित जाति के लिए 200 करोड़ का वेंचर फंड भी बजट के जरिए घोषित किया गया है। तो तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके जरिए अब सरकार की ये कोशिश है कि लोग उसकी तरफ जाएं। वोट बैंक हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो या फिर सेना हो, ये तमाम ऐसे लोग साबित हो सकते हैं जो सरकार के लिए आने वाले वक्त में वोट कर सकते हैं। तो बहुत दिलचस्प है ये पूरी प्रक्रिया क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे इसके अलावा जो आम कंज्यूमर है, मिडिल क्लास है, उन सबको अपनी तरफ किया जाए। वित्त मंत्री के पास लुभावने दाव चलने के मौके सीमित है हालांकि क्योंकि अंतरिम बजट है। फिर भी तरकीब लड़ाकर ऐसे कई ऐलान कर दिए जिनसे मजबूत वोट बैंक्स की वाहवाही लूटने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। कृषि कर्ज पर पिछले साल लागू की गई 2% ब्याज सब्सिडी इस साल भी जारी रहने का ऐलान किया गया है। अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2015 में कृषि क्षेत्र को 8,00,000 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी घरों के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी के लिए 2,24,397 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कानून पर सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैसा है चिदंबरम का अंतरिम बजट, आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है उद्योगपतियों का, आर्थिक जानकारों का।
कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग और कैसे हम डिमांड को पिकअप करते हुए देखेंगे, और उसके ऊपर एक मेजर फोकस आज देखे हैं उन्होंने जो एक्साइज एक ड्यूटी का उन्होंने कटौती किया है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ सिग्निफिकेंट स्टेप विच विल स्पार्क ऑफ अ लॉट ऑफ डिमांड जो हम देखेंगे, जिसके लिए हमारे जो एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक रिवाइवल और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काफी अच्छा फोकस है. मैं समझता हूँ कि अच्छा अनाउंसमेंट किए हैं, जो स्पीच की है, जो सलाह दी है फ्यूचर के लिए, और जो एक्साइज कट्स किए हैं वो सब अच्छे हैं. जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही था, और इसमें मेरे ख्याल में नेगेटिव कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, और दो तीन पॉजिटिव आइटम्स बताए उन्होंने. पर सबसे बड़ी बात जो है, एक जो दुनिया जो एक दो चीज़ों को देखती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है और फिजिकल डेफिसिट है, तो उसमें चिदंबरम जी ने जो भी प्रॉमिस किया था और जो उन्होंने कहा था कि मैं डिसिप्लिन लाऊंगा, तो वो नंबर से वो और बेटर उन्होंने आज अनाउंस किया.